नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का वैज्ञानिक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो लंबाई हमने 14 इंच ली है, 14.5 इंच ली थी। नीचे से अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगाने के बाद अब 14 इंच है। शोल्डर 6 इंच, आर्म और भी 6 इंच लिया है। अब गले की कटिंग बुकरम के ऊपर करेंगे। इसकी लंबाई देखिए, गले की लंबाई 11 इंच लेंगे। चौड़ाई का निशान हमने 3 इंच पर लगाया है। उसके बाद इस तरह से गले का निशान निकालना है। तो ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद इसे कट कर लेना है और दूसरी तरफ से भी निकाल लेना है बिल्कुल वहीं से। तो ये हमने निकाल लिया है। तो ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब कपड़े पर रखते हुए इस पर सिलाई डाल लेंगे। तो हमने देखिए सिलाई डाल ली है। अब इस पर भी कपड़े पर भी सेंटर लाइनिंग निकाल लेंगे और इस तरह दोनों निशानों को मिला कर रखेंगे। और देखिए, इस तरह से सिलाई डालनी है पूरे गले पर। जहाँ से गले का निशान है वहीं से सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद कट लगा लेना है पूरे गले पर। अब पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाना है। तो हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से गला तैयार कर लिया। बराबर से फोल्ड करते हुए ऊपर दो लाइनिंग निकाल ली है। दोनों पर बराबर से निकालना है। उसके बाद पेपर लेना है। पेपर के ऊपर इसे इस तरह से निकालना है। जहाँ से लाइनिंग की वहाँ से इस तरह से निकालेंगे, डबल पट्टी इस पर लगाएंगे तो डबल लाइनिंग इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद अभी इस तरह से पट्टी लेना है। ये पट्टी तिरछे कपड़े पर बना लेना है और चौड़ाई इसकी 1/2 इंच से थोड़ा सा हमने कम ही ली है, पतली ही ली है। तो इस तरह से अब इसको लगा लेना है। जो डबल लाइनिंग की है वहीं से पट्टियाँ लगेंगी। तो इस तरह से पट्टी लगा लेंगे। पहले पट्टी के दोनों तरफ से सिलाई डालना होगा। तो ये देखिए, इसको लगा लिया। लगाने के बाद इसको गले पर इस तरह से लगा लेना है। बराबर से जहाँ से देखिए निशान निकाला हुआ था वहीं से रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो ये इसे लगा लिया है। लगाने के बाद अब हमें डोरी लेना है और गले पर डोरी से डिजाइन रहेगी। तो इस तरह से देखिए डिजाइन अब हमें गले पर बना लेनी है। उसके बाद जो पट्टी निकाली है उस पर भी डिजाइंस रहेगी। पहले इसे पूरा कर लेंगे फिर उस पर लगाएंगे। तो पूरे गले पर इसी तरह से बनाना है। थोड़ी बड़ी बड़ी डिजाइनें क्रॉस करते हुए इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए, पूरे गले पर इसे लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है 8 इंच या 8.5 इंच लंबाई का इस तरह से कपड़ा लेना है। अब इस पर जैसे डोरी पलटते हैं उसी साइज की हमने सिलाई डाल दी है और डोरी के जैसे इसको पलटना है। देखिए, इस तरह से पलटना है। थोड़ा सा खींचेंगे डोरी, थोड़ा सा अंदर खींच देंगे 1 इंच। उसके बाद इसी में ये सारा कपड़ा इस तरह निकाल लेना है। तो इस तरह से ये डिजाइंस बन के आएगी। इसी तरह की डिजाइन हमें ले लेनी है। 5 डिजाइनें पूरी इस पर लगेंगी। एक यहाँ पर लगाएंगे देखिए इस तरह से। उसके बाद पट्टी पर दो दो ऊपर और लगेगी।
तो ये देखिए इस तरह से लगाना है। तो इसी तरह दोनों साइड से पहले मशीन से सिलाई डालेंगे, फिर इस पर हाथ से भी डालना होगा क्योंकि पेपर बाद में निकल जाएगा। तो इस तरह दो इस साइड लगाई और दो उस साइड लगा लेंगे, दोनों साइड इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से लगा लिया है। अब इस पर लटकने लगा लेंगे, देखिए तीन लटकन बना ली है। इस तरह यहाँ पर लगा लेना है, मोती इसमें डाल लेंगे जितनी बड़ी रखना है और इस तरह से फिर लगा लेना है। तो लटकने हमने लगा ली है, देखिए इस पर भी इस तरह से मोती लगा देंगे, चाहे तीन तीन करके लगाएं या एक इस साइड पट्टी पर किनारे से, एक उस साइड इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह पूरे पर लगा लेंगे, इस साइड के डिजाइन ऊपर और उस साइड के डिजाइन पर भी। तो ये हमने इस तरह मोतियाँ लगा दी है। अब ये डोरी वाली डिजाइन पर भी एक एक करके मोती लगा देंगे बाद में। अब पेपर पहले निकाल देंगे, तो इस तरह पेपर हमें निकाल देना है। पूरा पेपर अच्छे से निकाल लेंगे, उसके बाद उस डिजाइंस पर भी मोतियाँ लगा लेंगे। पेपर निकालने के बाद इसका प्लेट बना देंगे। तो ये हमने पेपर निकाल लिया है, देखिए प्लेट से बना देना है दोनों साइड से। तो ये प्लेट से बनाया, अब इस पर भी डोरी मोती इस तरह बाद में लगा देंगे।